हर्षिता, जरा अपनी पानी की बोतल दे दे, मुझे प्यास लगी है। नहीं, मैं तुझे अपनी ये पानी की बोतल नहीं दे सकती। पर क्यों, क्या हुआ? तुझे पता है कि ये बोतल कितनी एक्सपेंसिव है और ये ना तेरी औकात से बाहर है। अगर तू मेरी पानी की बोतल में से पानी पिएगी और मेरी बोतल गंदी हो गई तो? कैसी बात कर रही है हर्षिता, भला मेरे पानी पीने से तेरी बोतल कैसे गंदी हो जाएगी? अच्छा चल ठीक है, अगर बोतल गंदी हो जाएगी तो मैं धो के तुझे वापस कर दूंगी, ठीक है? अरे वो क्या है ना, वाटर कूलर बाहर ख़राब हो रहा है और मुझे ना बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। अगर मैं बाहर पानी लेने गई तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऑफिस का इतना सारा काम पड़ा है और बॉस ना कभी भी आ जाएगी और मुझे ऑफिस में ना देख के ना मुझे डांट भी पड़ सकती है। तो इससे अच्छा है कि तू ही पानी पिला दे, मुझे बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा। देख मैंने कह दिया ना कि मैं तुझे अपनी ये एक्सपेंसिव बॉटल नहीं दे सकती, पर हाँ एक काम कर सकती हूँ, तू अपने हाथ आगे कर, मैं ना ऊपर से पानी डाल दूंगी, तू वो पानी पी लियो। क्या यार, ऐसे कैसे पानी पी सकती हूँ मैं? तुझे पानी पीना है या नहीं? चल ठीक है। थैंक यू। शुक्र मना कि मैंने तुझे अपने पानी की बोतल में से पानी पीने दिया, नहीं तो तुम जैसे छोटी कास्ट वाले लोगों को ना मैं अपने आसपास खड़े भी ना होने दूँ। पता नहीं इस ऑफिस में कैसे काम कर रही है तू। अगर मैं इस ऑफिस की बॉस होती ना तो तुझे अपने ऑफिस में कभी इम्प्लॉय नहीं रखती। तुम छोटी जात वाले छोटी सोच रखते हो हमेशा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या चल रहे हैं? कुछ नहीं मैम। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर एंगेजमेंट। आपने पार्टी में तो बुलाया नहीं, कम से कम मिठाई तो बनती है। अच्छा तो तुम्हें मिठाई खानी है? जी मैम। वैसे है मेरे पास तुम्हारे लिए मिठाई। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी, उठाओ और खा लो। कैसी बात कर रहे हो मैम, ये गिरी हुई मिठाई मैं कैसे खा सकती हूँ? और आपने ये मिठाई गिरी क्यों है? क्यों, अगर मेरा हाथ तुम्हारे हाथ से टच हो गया तो? मुझे तुम्हारे कास्ट के बारे में थोड़ी पता है, इसीलिए मैंने ये मिठाई फेंक कर दी। अब इसे उठाओ और खा लो। मैम आप ये भेदभाव कैसे कर सकती हैं? और आप मेरी कास्ट के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये सब गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ भेदभाव कर रही हूँ? अभी तुमने बिमला के साथ भी तो यही किया था ना, जब उसने तुमसे पानी मांगा था तो तुमने अपनी ये बॉटल उसके हाथ में नहीं दी। मैं जान सकती हूँ क्यों? अब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा ना। मैं बताती हूँ, तुमने उसको उसके हाथ में बॉटल इसलिए नहीं दी क्योंकि तुम्हारी सोच गिरी हुई है, तुम्हें सही और गलत में फ़र्क पता ही नहीं है। और अभी जब मैंने तुम्हें ये मिठाई ऐसे फेंक कर दी तब तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है? जब तुमने बिमला के साथ यही हरकत करी तब तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी, उसे कैसा फील होगा? और फिर भी बिमला ने तुम्हें पलट कर जवाब नहीं दिया क्योंकि वो गरीब है इसलिए? नहीं, उसमें आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, वो जानती है कि क्या सही और क्या गलत है। और अभी तुम यही सोच रही होगी ना कि मुझे ये सारी बातें कैसे पता चली, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। सॉरी मैम, एक छोटी सी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगी। अच्छा माफ़ कर दूँ? अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है ना तो बिमला से मांगो जिसके साथ तुमने ये हरकत की है। अच्छा बिमला तुम मुझे बताओ कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए कि नहीं? नहीं मैम, आप इसे नौकरी से मत निकालिए। नौकरी से निकाल देंगी तो ये कहाँ जाएगी? वैसे भी नौकरी इतनी मुश्किल से लगती है और ये तो लड़की है, ऐसे नौकरी के लिए भटकेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सुना तुमने, अगर वो चाहती तो तुम्हें ये बोल सकती थी कि इसे नौकरी से निकाल दो, लेकिन उसने ये नहीं बोला क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है जो तुम नहीं हो, ना ही मैं हूँ, इसीलिए तुम्हें हमारी कंपनी से निकाल दिया जाता है। कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से, कोई दूसरा काम ढूंढो जहाँ जात पात ना हो, भेदभाव ना किया जाता हो। और मुझे ये भी पता है कि तुम यही हरकत दोबारा करोगी और ना मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑफिस में ये सब दोबारा हो। और तुम्हें हमारी कंपनी से निकाल तो दिया है, मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें साथ में ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाए ताकि तुम्हें किसी भी कंपनी में जॉब ना मिले। मैम ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मैंने एक छोटी सी गलती ही तो की है, आप उसके लिए मुझे ब्लैकलिस्ट करवाना चाहती हैं? छोटी गलती? ये कोई छोटी गलती नहीं है, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। और अगर कोई छोटी गलती होती ना मैं सोचती भी, लेकिन ऐसे किसी के रंग रूप कास्ट को लेकर मजाक बनाना बहुत गलत बात है, बहुत गिरी हुई हरकत है। मैम मैंने आपसे सॉरी बोला है ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जाओ यहाँ से। और हाँ, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना ही जो तुमने आज ये हरकत करी है ना वो दोबारा करना। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे ना, इसलिए अगर अच्छे संस्कार दिए होते तो ये सब काम नहीं करती। नाउ गेट आउट, गेट आउट। सॉरी बिमला, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और तुम्हारे साथ आज के बाद कोई भी ऐसी हरकत करे तो मुझे बता दिया करो। थैंक यू मैम।
आपने जो अभी वीडियो देखी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका जो मैसेज है वो सभी तक पहुँचे और सभी तक ये सबक पहुँचे। तो जल्दी से शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी भेजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही इस वीडियो को सही मॉरल आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।